ऐसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे। मैं एक शमशेर से कहती है, कोई भी यहाँ मेरी वजह से खुश नहीं, इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। कसूर है मेरा, मेरा ही तो कसूर है शमशेर। अगर तुम मुझे यहाँ पर वापस ना लेके आते तो कभी भी मुझे इस तरह की बातें न सुननी पड़ती। मुझे कोई हक नहीं पहुँचता था कि मैं तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दूँ। तब शमशेर महक से यही कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं महक, मेरे होते हुए इस घर में तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। और रही बात बाबा साहब की, तो मैं उनसे खुद बात कर लूंगा कि वो तुम्हारे साथ इस तरह पेश क्यों आ रहे हैं। मैं एक शमशेर से यही कहती है कि तुम अपने बाबा साहब से कुछ भी मत कहना, क्योंकि उन्हें यही लगेगा कि मैंने बाबा साहब के खिलाफ तुम्हारे कान भरे हैं। मैं इस घर में अपनी वजह से कोई भी हंगामा नहीं देखना चाहती, जब से मैं इस घर में आई हूँ कोई भी इससे खुश नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं महक के दिल में अब शमशेर के लिए हमदर्दी पैदा हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से उसने बाबा साहब के सामने महक के लिए स्टैंड लिया, वो इस बात को किसी हाल में भी भूल नहीं सकती। उसे शमशेर से बातें करना अच्छा लगता है, और यही बात सोफिया किसी सूरत पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।